हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं राकेश सैनी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निस्कस क्लासेस पीपार सिटी जोधपुर। जितने भी फ्रेंड्स लोग स्टूडेंट्स जुड़े, प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए। आज की जो अपनी क्लास होगी, वैसे आपको पता होगा अपना जो टॉपिक चला वो चला मेमोरी का, और मेमोरी आपने पढ़ लिया था। मेमोरी यूनिट्स क्या होती है, जैसे आपको बताया था किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, ये क्या होती है, उसके बारे में आपने अच्छे से डिस्कस किया था। और उसके बाद लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आपके जो मेमोरी के प्रकार है उसमें अपने पढ़ा था प्राइमरी, और प्राइमरी में अपने पढ़ा था रैम। रैम क्या होती है, जैसे मैं आपको बताया इसका प्राइमरी मेमोरी होती है, उसका फुल नेम बताया था, अस्थायी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, या आप कोई भी इनपुट डिवाइस से डाटा इनपुट करते वो सबसे पहले कहाँ पर जाता है। एक बार जल्दी से बता दो, मेरे को आवाज़ आ रही है क्या, एक बार जल्दी से बता दो सारे स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है क्या? दिलीप बाटी नमस्ते जी, दिलीप बाती, ए फोर अंकित, सारे बच्चे एक बार बताओ भाई आवाज़ सही आ रही है क्या, और एक बार सारे इसको शेयर कर दो। जे एम डी, अंकित गहलोत, अंकित गहलोत, दिलीप बाटी, मुक्सा सैनी, तिलुक बाटी, जीवीसी, दिलीप बाटी, एक बार सारे बता दो। चौहान सर नमस्ते, गुड इवनिंग सर, रविंद्र सिंह बाटी, सुमन कुमारी, सारे एक बार बता दो आवाज़ सही आ रही है क्या, आ रही है ना? तो आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा कौन सा, अपने मेमोरी के अंदर होगा अपने प्राइमरी में, और प्राइमरी अपन पढ़ेंगे आज रोम के बारे में। रैम के बारे में अपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन किसके बारे में, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है रोम का, बात करते हैं अपन रोम की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, रोम के जो ये रोम होती है आपके किस प्रकार की मेमोरी, रोम होती है वो आपके किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो क्या बताएंगे, ये होती है आपके प्राइमरी मेमोरी। क्या बताएंगे, रोम आपके प्राइमरी मेमोरी होती है, क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपके कि जो रोम होती है उसका पूरा नाम क्या होता है, रोम का पूरा नाम क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे रोम का पूरा नाम पूछे क्या बताएंगे, रीड ऑनली मेमोरी, क्या बताएंगे, रीड ऑनली मेमोरी। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या देर का है, एक तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जो आपकी रैम थी उसको मैंने बताया था अस्थायी मेमोरी, रैम को क्या बताया था, अस्थायी मेमोरी बताया था। तो जो आपको बताना है रोम को स्थायी मेमोरी, क्या बताएंगे, रोम को स्थायी मेमोरी, क्लियर। हाँ भाई फारूक खत्री सबको गुड इवनिंग, हीरा लाल करवा गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग, नमस्ते, एक बार सारे शेयर कर दो भाई। अब देखो यहाँ पे मैंने बात करी किसकी, रोम की, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो अपने रैम टॉपिक था, और रैम को मैंने आपको बताया था रैम को अपन स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी बोलते हैं, रैम को अपन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, तो इसको अपन कहेंगे स्थायी मेमोरी, क्या कहेंगे, स्थायी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी मेमोरी स्थायी होती है, जिसको अपन क्या बताएंगे, तो जो रोम होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थायी मेमोरी बोलते, क्या बोलते हैं, स्थायी मेमोरी बोलते हैं। रैम को मैंने बताया था वॉलेटाइल, इसको आपको बताएंगे क्या, नॉन वॉलेटाइल, क्या बताएंगे, नॉन वॉलेटाइल, क्या बताएंगे, नॉन वॉलेटाइल, या अपन इसको कह सकते हैं अपरिवर्तित, अपरिवर्तित, क्लियर। अब देखो यहाँ पे अगला क्या दे रखा है कि रोम में जो आपकी रोम होती है, रोम में डेटा केवल रीड किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स बात करें अपन किसकी, तो क्या बताएंगे आप, रोम की बात करें, रोम किस प्रकार की मेमोरी, क्या बताएंगे, रोम आपके होती है प्राइमरी मेमोरी, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है रोम का पूरा नाम क्या, क्या बताएंगे, रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद रोम को अपन किन किन नामों से जानते हैं, तो क्या बताएंगे, रोम को अपन बोलते हैं अस्थायी मेमोरी, क्या बोलते हैं, स्थायी मेमोरी। उसके बाद क्या देखा, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब कि अपरिवर्तित, क्या बताएंगे, अपरिवर्तित, मतलब कि रोम के अंदर एक बार डाटा लिखने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्लियर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, नेक्स्ट उसके बाद क्या देखा, रोम में डाटा को केवल रीड किया जा सकता है, ये लाइन क्या देखिए, देखो रोम का फुल नेम क्या देखा, रीड ऑनली मेमोरी, मतलब कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें केवल क्या होता है, रीड ऑनली, मतलब जिसमें केवल डाटा को रीड किया जा सकता, क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अब देखो यहाँ पे रोम में स्टोर डाटा को यूजर के द्वारा बदला नहीं जा सकता। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे क्या देख रहे हैं,
एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, क्या बताएंगे? रोम होती है। अपरिवर्तित मेमोरी कौन सी होती है, क्या बताएंगे? रोम होती है। स्थाई मेमोरी कौन सी होती है, क्या बताएंगे? रोम होती है। उसके बाद ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें केवल डाटा को रीड कर सकते, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें केवल डाटा को रीड कर सकते, क्या बताएंगे? आपकी रोम होती है। उसके बाद ऐसी कौन सी मेमोरी है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें यूजर डाटा परिवर्तन नहीं कर सकता, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें यूजर डाटा परिवर्तन नहीं कर सकता, क्या बताएंगे? रोम। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या देर का है, उसके रोम में स्टोर डाटा को यूजर के द्वारा बदला नहीं जा सकता, कौन सी मेमोरी, क्या बताएंगे? रोम। क्लियर। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हरदेव राम जी, इस चैनल अपने कल क्लास होगी, आज तो मैं थोड़ा बिजी था। जितेंद्र भाटी कह रहे भाई सभी एक बार शेयर कर दो। हाँ भाई लोग एक बार शेयर कर दो इसको। हरदेव राम जी कल मॉर्निंग में 11 बजे क्लास हो जाएगी उस चैनल पर, ठीक है? आज थोड़ा मैं बिजी था, क्लास नहीं ले पाया। ठीक है भाई लोगों, जल्दी से इसको एक बार शेयर कर दो। आज अपन पढ़ रहे किसके बारे में? रोम के बारे में। अब देखो ये स्टूडेंट्स ले लिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद बात क्या करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि रोम में स्टोर डाटा यूजर के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और उसके बाद अगला पॉइंट देखना, अगला पॉइंट क्या देखा है कि रोम में यूजर के द्वारा किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा आपके सामने कि ऐसी कौन सी मेमोरी है, ऐसी कौन सा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा यूजर नहीं लिखता, क्या बताएंगे? ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डाटा यूजर नहीं लिखता, मतलब कि जो इसका यूज करता है वो डाटा इसमें स्टोर नहीं कर सकता, कौन सी? बताएंगे रोम। मतलब कि रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें यूजर इसमें किसी भी प्रकार का डाटा स्टोर नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? स्टोर नहीं कर सकता। क्लियर। अब यहां पे क्या बताया, देखो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। एक तो पॉइंट्स ये देखो कि रोम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसमें यूजर परिवर्तन नहीं कर सकता, ये पॉइंट्स याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी मेमोरी में डाटा परिवर्तित नहीं कर सकता है। क्लियर। क्या बताएंगे? रोम होती है। और उसके बाद ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसमें यूजर डाटा स्टोर नहीं कर सकता, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसमें यूजर डाटा स्टोर नहीं कर सकता, क्या बताएंगे दोस्तों? वहां पे आपको बतानी, रोम होती है। क्लियर। अब यहां पे देखो मैंने पॉइंट्स क्या लिखा है कि यूजर इसमें ना तो डाटा परिवर्तन कर सकता है ना डाटा इसमें स्टोर कर सकता है, तो फिर ये डाटा डालता कौन है, डाटा इसमें स्टोर करता कौन है? तो यहां पे देखो क्या देर का, तो यहां पे देख लीजिए क्या देर का है। रोम में स्टोर डाटा रोम के निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। मैंने क्या बताया था कि जो रोम होती है उसमें जो डाटा होता है उसमें यूजर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है, और रोम के अंदर जो डाटा होता है वो डाटा यूजर स्टोर नहीं कर सकता। मतलब कि रोम के अंदर जो डाटा होता है उसमें ना तो यूजर कुछ परिवर्तन कर सकता है, ना उसमें कुछ बदलाव कर सकता है, ना कोई नया डाटा उसमें स्टोर कर सकता है। क्लियर। कौन किसमें? रोम के अंदर। अब मैंने बताया कि यूजर इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसमें कुछ करता कौन है, मतलब कि डाटा स्टोर कौन करता, मतलब कि इसमें डाटा स्टोर कौन करता है, क्या बताएंगे? कि रोम के निर्माण के समय, मतलब कि इस जो कंपनी रोम का निर्माण करती है, जो कंपनी रोम बनाती है उसी समय रोम में स्टोर जो प्रोग्राम होता है उसी में क्या करता है, डाटा स्टोर कर जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डाटा रोम के मतलब कि उसके निर्माण के समय स्टोर कर जाता है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डाटा उसके निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है, क्या बताएंगे? वो होती है आपकी कौन सी? रोम होती है। क्या होती है? रोम। मतलब कि रोम के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो आपके उसके निर्माण के समय, मतलब कि जब रोम बनाई जाती है उसी समय उसमें डाटा स्टोर कर दिया जाता है। क्लियर। उसके बाद अगला क्या देखा है, रोम में रखा डाटा कंप्यूटर की पावर सप्लाई
पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी, बंद होने के बाद भी स्टोर रहता है, स्टोर रहता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पे किसकी बात की जा रही है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि कौन सी मेमोरी में कंप्यूटर बंद होने के बाद भी, कौन सी मेमोरी में कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डाटा क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, वो होती है आपकी रोम। क्या होती है? रोम होती है मतलब कि यहाँ पे देखो कि जो आपकी रोम होती है उसमें जो डाटा स्टोर रहता है वो कंप्यूटर की पावर सप्लाई, कंप्यूटर बंद होने के बाद भी क्या रहता है, स्टोर रहता है। क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी मेमोरी होती है जिसमें डाटा कंप्यूटर की पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद भी उसमें स्टोर रहता है, सुरक्षित रहता है। क्या बताएंगे? आपकी रोम होती है। क्या होती है? रोम। अब देख रहे हैं इसका एग्जांपल, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते किसकी, कि ये रोम का एग्जाम्पल बताओ, मैं आपको रोम का बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक अपन बात करते हैं, आपने देखा होगा एक देखना, ये क्या होता है देखो स्टूडेंट्स, आपके बच्चों वाला मोबाइल खिलौना, क्या होता है? मोबाइल खिलौना। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, आपने बच्चों वाला मोबाइल खिलौना देखा, बच्चों वाला मोबाइल आता है जिसको अपन खिलौना बोलते हैं, और क्या आता है वो 40-50 रुपये मेले में मिलता है। अब देखो स्टूडेंट्स, अपन मेले में गए इस प्रकार के खिलौना लेकर आए, मतलब कि बच्चों वाला मोबाइल लेकर आए। अब देखो स्टूडेंट्स क्या किया अपने, जब ये इसमें लेके आए तो क्या होता है, इसमें 4-5 गाने, ये जब अपन खिलौना लेके आते घर पे तो इसमें 4-5 गाने जो होते हैं, 4-5 जो गाने होते हैं वो पहले से स्टोर रहते हैं। क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। क्लियर? जिस प्रकार मैंने आपको क्या बताया कि जो आपकी रोम होती है, रोम में डाटा उसी समय स्टोर कर जाता है जब रोम बनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार जो आपके ये बच्चों वाला मोबाइल होता है उसमें क्या होता है, घर पे लेके आते हैं उसमें क्या होता है, गाने अपन बाद में थोड़ा डालते हैं, गाने पहले से लिखे आते हैं, मतलब कि इसमें जो गाने आते हैं वो क्या होते हैं, 4-5 गाने पहले से स्टोर रहते हैं। क्लियर? उसके बाद इसमें जो गाने होते हैं, स्टूडेंट समझने का प्रयास करना, इसमें जो गाने होते हैं क्या उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं क्या, इसमें जो 4-5 गाने केवल आप उनको ही सुन सकते हैं, इसमें जो 4-5 गाने होते हैं केवल आप उसको ही सुन सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें कोई चेंजेज नहीं कर सकते, जो कोई गाना डिलीट नहीं कर सकते, कोई नया गाना नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रोम मेमोरी कौन सी है, वो होती है रोम, मतलब कि इसके अंदर मेमोरी कौन सी यूज करके है, इसमें मेमोरी यूज करके आपके रोम क्या करके है, रोम मतलब कि इसमें गाना क्या होता है, मतलब कि रोम होती है उसमें डाटा पहले से क्या होता है, स्टोर होता है, डाटा परिवर्तन नहीं कर सकते। रोम के अंदर डाटा क्या होता है, पहले से स्टोर रहता है, यूजर उसमें कोई बदलाव कर नहीं कर सकता, कोई यूजर उसमें नया डाटा नहीं लिख सकता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देर का, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देर का, देखो सलीम खान कह रहे हैं सर कल होगी वहां पे क्लास, सलीम खान जी कल होगी क्लास 11 बजे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे होता क्या, अब देखो यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, अब होता क्या, सपोज करो ये मेले में अपन सेल लेकर आए, मेले से क्या लेकर आए, खिलौना लेकर आए, सपोज करो मेले से अपन ये खिलौना लेकर आए और चार पांच दिन अपने क्या किया, पूरे दिन अपने इसे गाने सुने, तो जब गाने सुनेंगे तो क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा आपका डिस्चार्ज, क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा आपका डिस्चार्ज। जब अपन क्या करेंगे, पूरे दिन इसे गाने सुनेंगे, सेल क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, और जैसे डिस्चार्ज हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका बंद, क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। अब जैसे ये बंद होगा, जैसे ये बंद रहेगा, अपन चाहेंगे कि इसके 2-4 दिन इसको बंद ही रखें, अपन चाहेंगे इसको 2-4 दिन बंद ही रखें। अब क्या हुआ देखो, जब अपन इसके अंदर रखेंगे क्या नया सेल, जब अपन इसके अंदर क्या करेंगे नया सेल डालेंगे, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पूरे दिन अपने गाने सुने क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, जैसे ही डिस्चार्ज हो क्या हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, जैसे ही डिस्चार्ज हो क्या हो गया, ये बंद हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद देखना यहाँ पे, एक बार बंद हो गया, एक बार ये बंद हो गया, उसके बाद अपने क्या किया, नया सेल डाला, नया सेल होने के बाद ये वापस क्या हो जाएगा आपका, ऑन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे, आपका ये जो है, आपका जो ये मोबाइल है, सेल डिस्चार्ज होने के कारण बंद हो गया, पूरा पावर ऑफ हो गया इसका, लेकिन जब नया सेल डाला,
और नया सेल डालने देखा इसमें, तो वापस गाने वो के वो है, वापस गाने इसमें वो के वो है। मतलब कि मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था अभी, कौन सा, ये देखो कि रोम में रखा डाटा कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद होने के बाद भी स्टोर रहता है, तो वही तो काम इसमें हुआ, वही तो चीज़ इसमें हुई कि इसका क्या हुआ, सेल डिस्चार्ज होगी, ये बंद हो गई, इसकी पावर सप्लाई बंद होगी, फिर भी क्या हुआ, इसमें डाटा स्टोर रहा, फिर भी इसमें क्या रहा, डाटा स्टोर रहा। आगे समझ में, ये होता आपका किसका, रोम का उदाहरण है, कौन सा, बच्चे वाले खिलौने। मतलब कि इस ये जो मोबाइल होता है, ये जो मोबाइल होता है इसमें आपका किसका यूज होता है, क्या बताएंगे, आपके रोम का यूज होता है, किसका यूज होता है, क्या बताएंगे, रोम का यूज होता है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या देर का है, अब अपन पढ़ रहे हैं रोम के प्रकार, क्या पढ़ेंगे, रोम के प्रकार, क्या पढ़ रहे हैं, रोम के प्रकार। अब देखो यहाँ पे बात किसकी जा रही है, रोम के प्रकार की, कि रोम के प्रकार के तहत क्या बताएंगे, रोम आपके तीन प्रकार की होती है, क्या बताएंगे, जो आपके रोम होती है वो होती है आपके तीन प्रकार, कितने प्रकार की, तीन प्रकार की, कौन कौन सी, यहाँ पे देखो कौन कौन सी, यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहली रोम कौन सी होती है, देखो यहाँ पे नंबर वन होती है आपकी कौन सी, क्या बताएंगे, एक होती है आपकी पी रोम, क्या बताएंगे, पी रोम, पी रोम। और इसमें क्या बताएंगे, इसका पूरा नाम, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल नेम क्या होता है भाई, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो आपके रोम होती है दोस्तों वो होती है आपके तीन प्रकार की, जो आपके रोम होती है वो कितने प्रकार की होती है, वो आपके तीन प्रकार की होती है, एक होती है पी रोम, एक होती है ई पी रोम, एक होती है डबल ई पी रोम। पी रोम की बात करें तो पी रोम का पूरा नाम होता है आपके प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्या बताएंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये होता क्या इसके अंदर, देखो ये इसके अंदर होता क्या, ये देखो, अब देखो इसके अंदर होता क्या, इसमें एक बार डाटा स्टोर करने के पश्चात एक बार डाटा स्टोर करने के पश्चात कभी भी बदला नहीं जा सकता, कभी भी बदला नहीं जा सकता है, क्या बताएंगे, कि ये जो रोम होती है, ये जो पी रोम होती है, ये पी रोम जो होती है इसमें एक बार डाटा लिखने के बाद इसमें डाटा कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, पी रोम किसका प्रकार है, क्या बताएंगे, रोम का प्रकार है। पी रोम का पूरा नाम क्या होता है, क्या बताएंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्या बताएंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आप क्या बताएंगे कि ऐसी कौन सी रैम, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ऐसी कौन सी रोम है या ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डाटा एक बार लिखने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्या बताएंगे, वो होती है आपकी पी रोम, क्या बताएंगे, पी रोम। पी रोम का पूरा नाम क्या होता है, क्या बताएंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्या बताएंगे, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद क्या तरीका है, इसमें एक बार डाटा स्टोर करने के पश्चात कभी भी बदला नहीं जा सकता। तो एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि कौन सी मेमोरी होती है जिसमें डाटा एक बार लिखने के पश्चात उसमें क्या नहीं होता है, एक बार लिखने के पश्चात उसमें डाटा कभी भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्लियर, नेक्स्ट देख ले क्या देर का, अगले प्रकार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, नेक्स्ट क्या देर का, देखो रोम का अगला प्रकार कौन सा, देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड प्रकार एपी रोम, क्या हो जाएगा, सेकेंड प्रकार डबल ईपी रोम, क्या हो जाएगा, नॉर्मल ईपी रोम। अब देखो स्टूडेंट्स इसका पूरा नाम क्या होता है, देखो यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, क्या बताएंगे, ईपी रोम के पूरे नाम की बात करें, क्या बताएंगे, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब कि इस प्रकार की रोम में डाटा को पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हटाया जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे बात किसकी जा रही है आपके, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पी रोम। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन किसकी, पी रोम की बात करें तो यहाँ पे था क्या कि पी रोम जो थी आपके, इसमें डाटा कभी भी परिवर्तन नहीं होता था,
पी रोम के अंदर क्या बताया था कि एक ऐसी रोम, पी रोम के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी रोम है जिसमें डाटा कभी भी परिवर्तित तो नहीं होता। क्या नहीं होता है? डाटा कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे इसके आगे मैं क्या जोड़ देता हूँ, इसके आगे मैं जोड़ दिया आपके सामने क्या, ईपी रोम। क्या जोड़ दिया? ईपी रोम जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? ईपी रोम जोड़ दिया। मतलब कि जो ये पी रोम थी इसका आगे मैंने ई लगा दिया। इस ई का मतलब क्या होता है? इरेजेबल। मतलब कि एक ऐसी रोम जिसमें डाटा क्या होता है? इरेज। क्या होता है? इरेज। इरेज मतलब होता है डाटा को नष्ट करना। इरेज मतलब क्या होता है? डाटा को नष्ट करना। अब देखो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि ऐसी कौन सी रोम होती है जिसमें डाटा पराबैंगनी किरणों के माध्यम से, ऐसी कौन सी रोम होती है जिसमें डाटा पराबैंगनी किरणों के माध्यम से क्या होता है? नष्ट किया जाता है, हटाया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। तो क्या बताएंगे? वो आपकी रोम होती है। क्या बताएंगे? वो होती है आपकी कौन सी? ईपी रोम। क्या होती है? क्या बताएंगे? ईपी रोम होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो अगला क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे यहाँ तक आ गया समझ में। अगला देख लीजिए क्या देखा है, रोम का नेक्स्ट टाइप। रोम का नेक्स्ट टाइप क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिए, रोम का नेक्स्ट टाइप होता है वो आपका कौन सा? डबल ईपी रोम। क्या हो जाएंगे? डबल ईपी रोम। अब इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे इसमें पूरे नाम की बात करें क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रोम कितने प्रकार की होती है, क्या बताएंगे? तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी पी रोम। पी रोम के पूरे नाम की बात करें क्या बताएंगे? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद दूसरे नाम की बात करें डबल ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। और यहाँ पे तीसरा प्रकार पढ़ना है किसका? रोम का। तो क्या बताएंगे? डबल ईपी रोम। इसका पूरा नाम क्या होता है? तो क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्या बताएंगे? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। किसका पूरा नाम क्या बताएंगे? डबल ईपी रोम का। उसके बाद क्या बताएंगे कि इस रोम में क्या देखा? देखो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ईपी रोम ही था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? इलेक्ट्रिकल विद्युत। मतलब कि इस प्रकार की रोम में डाटा को विद्युत के माध्यम से क्या किया जाता है? नष्ट किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ऐसी कौन सी आपकी रोम है जिसमें डाटा को विद्युत के माध्यम से नष्ट किया जाता है? क्या बताएंगे? डबल ईपी रोम होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद क्या बताएंगे? आपकी ईपी रोम। ईपी रोम में क्या होता है? एक ऐसी कौन सी मेमोरी जिसमें डाटा पराबैंगनी किरणों के माध्यम से क्या होता है? इरेज किया जाता है, नष्ट किया जाता है। क्या बताएंगे? वो आती है आपकी ईपी रोम। और पी रोम होती है उसमें डाटा कभी भी नष्ट नहीं होता, उसमें डाटा कभी भी नष्ट नहीं होता। क्लियर? अब देखो यहाँ पर अगला क्या देखा है। तो यहाँ तक अपने पढ़ लिया था कौन सा? रोम के बारे में। क्या पढ़ लिया? रोम के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते किसकी? तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया था आपको कि जो अपनी प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी आपकी दो प्रकार की मेमोरी आती है। एक आपकी आती है कौन सी? रैम आती है, एक आती है रोम। ठीक है, रैम के अपने प्रकार पढ़ लेते हैं कि रैम आपके क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक ऐसे रैम होती है, डी रैम होती है। उसके अपने प्रकार डिटेल से जान लिए। अभी आपने ये टॉपिक शुरू किया था कौन सा? रोम के बारे में। रोम क्या होती है वो मैंने बता दिया आपको। रोम के प्रकार बात करें तो तीन प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। क्लियर? नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सेकेंडरी मेमोरी। किसका होगा? सेकेंडरी मेमोरी का। और सेकेंडरी में अपन पहला पार्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा? देखो यहाँ पे बात करते हैं अपन किसकी? सेकेंडरी मेमोरी की। किसकी बात करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी की। किसकी बात करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी की। अब सेकेंडरी मेमोरी होती है इसको अपन क्या क्या कहते हैं, क्या बताएंगे? सेकेंडरी कह सकते हैं। उसके बाद क्या बताएंगे इसको? एक्सटर्नल। क्या बताएंगे? एक्सटर्नल मेमोरी। क्या बताएंगे? एक्सटर्नल मेमोरी। उसके बाद क्या बताएंगे इसको? ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बताएंगे? ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बताएंगे? सेकेंडरी को अपन हिंदी में क्या लिख देंगे? द्वितीयक मेमोरी। क्या लिख देंगे? द्वितीयक मेमोरी। उसके बाद एक्सटर्नल की बात करें तो क्या बताएंगे? बाहरी मेमोरी। क्या बताएंगे? बाहरी मेमोरी। और इसकी बात करें किसकी? ऑक्सिलरी की। तो ऑक्सिलरी का पूरा नाम हो जाएगा आपके क्या नाम हो जाएगा? क्या बताएंगे? ऑक्सिलरी का नाम होता है आपके क्या बताएंगे? सहायक मेमोरी। क्या बता देंगे? सहायक मेमोरी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके सामने, एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि सेकेंडरी मेमोरी के अन्य नाम क्या है, कि एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी होती है, बाहरी मेमोरी कौन सी होती है, सहायक मेमोरी कौन सी होती है, द्वितीयक मेमोरी कौन सी होती है। ये सारे के सारे किसके नाम है? क्या बताएंगे? सेकेंडरी मेमोरी के। किसके प्रकार? क्या बताएंगे? सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर? अब नेक्स्ट देख लीजिए क्या होगा, नेक्स्ट देख लीजिए इसके प्रकार। अगर इसके प्रकार की बात करें, अगर आपको पूछे सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार, तो दो प्रकार बताए थे मैंने आपको। एक बताया था मैग्नेटिक। क्या बताया था?
मैग्नेटिक, क्या बताया था, मैग्नेटिक। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, ऑप्टिकल, क्या बताया था, ऑप्टिकल, क्लियर। और मैग्नेटिक के अंदर बताया था आपको सबसे पहले कौन सा, हार्ड डिस्क, क्या बताया था, हार्ड डिस्क। और एक बताया था मैंने आपको कौन सा, फ्लॉपी डिस्क, क्या बताया था, फ्लॉपी डिस्क, क्लियर। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल मैंने आपको तीन बताए थे, सी डी, एक बताया था मैंने आपको कौन सा, डीवीडी, एक बताया था मैंने आपको कौन सा, ब्लू रे डिस्क, क्या बताया था, ब्लू रे डिस्क, क्या बताया था, ब्लू रे डिस्क। समझ में आ गया, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात अपन किसकी कर रहे हैं, बात अपन कर रहे हैं किसकी, सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको अपन किन किन नामों से जानते हैं, क्या बताएंगे, उसको अपन दो नाम बताए मैंने आपको, एक्सटर्नल और ऑक्सिलरी। एक्सटर्नल का होता है बाहरी मेमोरी, ऑक्सिलरी का पता होता है सहायक मेमोरी, क्लियर। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, देखो यहाँ पे जो आपकी ये सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपके दो प्रकार होती है, एक होती है मैग्नेटिक, एक होती है ऑप्टिकल। मैग्नेटिक में क्या होता है आपके, एक आता है आपका हार्ड डिस्क, एक आता है फ्लॉपी डिस्क, एक हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। उसके बाद बात करें किसके, ऑप्टिकल की। ऑप्टिकल के अंदर आपके तीन प्रकार है, सी डी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, क्या बताएंगे, सी डी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क, क्लियर। अब अपन बात करते हैं किसकी, हार्ड डिस्क की, किसकी बात करते हैं, हार्ड डिस्क की। तो देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क, सबसे पहला पार्ट कौन सा पढ़ा है, मैग्नेटिक पार्ट, क्या पढ़ेंगे, मैग्नेटिक। और मैग्नेटिक में किसकी डिटेल पढ़ रहे, हार्ड डिस्क के बारे में, किसके बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में। अब देखो यहाँ पे तो क्या बताएंगे, देखो ये स्टूडेंट्स, कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, सिस्टम में डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा स्टोर करने के लिए, डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, हार्ड डिस्क की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। क्या देख रहा है, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके सामने, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मतलब कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है, तो क्या बताएंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में डाटा होता है उसको स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए जो आपका सबसे प्रचलित या सर्वाधिक उपयोग में ले जाने वाला जो डिस्क होती है, सर्वाधिक ज़्यादा काम में ले जाने वाला जो आपकी मेमोरी डिवाइस होता है वो होता है आपका कौन सा, हार्ड डिस्क, क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखा है, जो एक आपकी हार्ड डिस्क होती है, जो आपकी एक हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है, अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है, क्या बताएंगे, एक हार्ड डिस्क अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है, क्या बताएंगे स्टूडेंट्स। एग्जाम में पूछे आपको कि हार्ड डिस्क किसकी बनी होती है, क्या बताएंगे, हार्ड डिस्क आपके अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है, किसकी बनी होती है, अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है, मतलब कि जिस प्रकार आपकी सीडी और डीवीडी होती है एक प्लेट के रूप में, जिस प्रकार आपकी सीडी और डीवीडी होती है एक प्लेट के रूप में, उसी प्रकार हार्ड डिस्क में क्या होती है, बहुत सारी प्लेटें होती है, हार्ड डिस्क में क्या होती है, बहुत सारी प्लेटें होती है, और प्लेटों से मिलकर क्या बनी होती है आपकी, हार्ड डिस्क, और प्लेटों से मिलकर क्या बनते हैं आपकी, हार्ड डिस्क बनते हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या देर का है, उसके बाद देखो यहाँ पे प्लेटों की, क्या लिखा है यहाँ पे, प्लेटों की दोनों सतहों पर जो ये आपकी प्लेट होती है, जो आपकी ये प्लेट होती है उसकी सतह होती है दो, कितनी होती है, दो सतह होती है, और दोनों सतह पर क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ या आप कह सकते हो आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, प्लेटों की दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ, या तो आपको वहां पे वर्ड क्या मिलेगा, चुंबकीय पदार्थ, या आपको वहां पे मिलेगा आयरन ऑक्साइड, क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड का लेपन होता है, क्या होता है, लेपन होता है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करना है उसमें क्या होता है, कौन सी मेमोरी काम लेती है, क्या बताएंगे, वो होती है आपकी हार्ड डिस्क, मतलब कि सबसे ज़्यादा मेमोरी कौन सी काम लेती है, क्या बताएंगे, हार्ड डिस्क होती है। उसके बाद क्या बताया मैंने आपको कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है,
जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। प्लेटें मतलब जिस प्रकार आपके सीडी और डीवीडी के एक प्लेट के रूप में दिखती है, उसी प्रकार क्या होती है, एक हार्ड डिस्क बहुत सारी प्लेटों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद आप क्या बताएंगे, जो प्लेटें होती हैं उसकी दो सतह होती है। प्लेटों की होती है, प्रत्येक प्लेट की दो सतह होती है। और उसके बाद क्या बताया मैंने आपको कि जो ये सतह होती है, इन सतह पर क्या होता है, चुंबक के पदार्थ या आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। इसमें क्या होता है, प्लेटें चुंबक की बनी होती है, चुंबक के प्लेटें किसकी बनी होती है, और प्लेटें बताएंगे कि प्लेटें जो होती है उसके ऊपर जो सतह होती है और सतह पर क्या होता है, चुंबक के पदार्थ या आयरन ऑक्साइड का लेपन होता है। तो क्या बताएंगे, तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, चुंबक के पदार्थ के इसमें यूज किया जाता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क को मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क बोलते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कृपा राम, हाय, हेलो भाई, घनश्याम चौधरी, गुड इवनिंग, दिनेश टाक, विष्णु तांडी, के लिए से हार्डी से प्लॉट नहीं करवाए, कोई बात नहीं, करवा देंगे भाई। अब देखो यहां पे ले लिया, अब अगला क्या देर का, देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देर का है, प्लेटों पर अगला देखो, हार्ड डिस्क की, हार्ड डिस्क की प्लेटों पर अनेक हार्ड डिस्क की प्लेटों पर अनेक अदृश्य अदृश्य वृत्त होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आप जो प्लेटें होती है प्लेटों पर क्या होते हैं, क्या बताएंगे आप, अनेक अदृश्य वर्त होते हैं, जिन्हें ये जो वर्त होते हैं उसे अपन क्या होते हैं, जिन्हें जिन्हें ट्रैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैक कहा जाता है, ट्रैक कहा जाता है। उसके बाद क्या बताएंगे, ट्रैक को छोटे 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 भागों में बांटा जाता है। ट्रैक को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है जिन्हें जिन्हें सेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेक्टर कहा जाता है। उसके बाद अगला क्या बताएंगे, डिस्क को, मतलब कि जो आपकी डिस्क होती है कौन सी, इसके अंदर हार्ड डिस्क डिस्क को ट्रैक व सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग। क्या कहा जाता है, क्या बताएंगे, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया यहाँ पे कि जो आपकी प्लेटें होती है उस प्लेटों पर क्या होता है, अनेक प्रकार के सर्किल होते हैं। कैसे होते हैं सर्किल, अदृश्य सर्किल, डिसअपीयर, मतलब कि वो सर्किल होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। उन्हें जो भी वर्थ होते हैं, जो सर्किल होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैक। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपके सामने, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो हार्ड डिस्क होती है डिस्क में क्या होते हैं, अनेक प्रकार के सर्किल होते हैं, वर्थ होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्या बताएंगे, उसको अपन ट्रैक बोलते हैं। और जब ट्रैक के छोटे छोटे भाग बनाते हैं, जब ट्रैक के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, जब ट्रैक के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं, क्या बताएंगे, उसको अपन बोलते हैं सेक्टर। क्या बताएंगे, उसको अपन बोलते हैं सेक्टर। क्लियर। और उसके बाद जो एक डिस्क होती है, मतलब कि एक किसी भी मेमोरी डिवाइस को क्या करता है, ट्रैक और सेक्टर में बांटना, डिस्क को किस में बांटना, ट्रैक और सेक्टर बांटना। एग्जाम में आपको ये भी लैंग्वेज मिलेगी कि ट्रैक को सेक्टर में बांटने का प्रोसेस, ट्रैक को सेक्टर में बांटने का प्रोसेस, या डिस्क को ट्रैक को सेक्टर में बांटने का प्रोसेस, उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। क्लियर। अब उसके बाद देखो एक लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है कि हार्ड डिस्क में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो यहाँ पे अगला क्या देर का है, नेक्स्ट क्या देर का है, लास्ट पॉइंट इसका हार्ड डिस्क का। देखो यहाँ पे हार्ड डिस्क में डाटा को ट्रैक व सेक्टर पर स्टोर किया जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में क्या होता है,
बहुत सारे ट्रैक और सेक्टर होते हैं, उन ट्रैक का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करना। तो एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन पूछेगा कि जो हार्ड डिस्क होती है उसमें डाटा को स्टोर कहाँ पे करते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो प्लेटें होती है प्लेटों पर क्या होते हैं, अनेक अदर से सर्किल होते हैं, उनको अपन बोलते हैं ट्रैक, और ट्रैक के जब छोटे टुकड़े बनाते हैं, छोटे भाग करते हैं, उसको अपन बोलते हैं सेक्टर, और इन्हीं ट्रैक और सेक्टर पर, इन्हीं ट्रैक और सेक्टर पर क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करने का काम किया जाता है, डाटा को स्टोर करने का काम किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक अपने जाना आज हार्ड डिस्क के बारे में, किसके बारे में, हार्ड डिस्क के बारे में। तो कल की अपनी क्लास होगी वो किसकी होगी, फ्लॉपी डिस्क की, किसकी होगी, फ्लॉपी डिस्क की, किसके बारे में होगी कल की अपनी क्लास, फ्लॉपी डिस्क के बारे में। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि, एक बार इसको शेयर कर देना।